कृपया दिल्ली जी बस्ती के रास्ते गोरखपुर से आने वाली लखनऊ कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और उस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो मेरा वीडियो जिसका आप सबको इंतज़ार है, जोश टॉक का वीडियो कैसे देख सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका आई हूँ एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ जिसका आप सबको और मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये हम लोग जा रहे हैं गोंडा, ये देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। पीछे आपको प्लेटफॉर्म की उचित परिचित आवाज़ें आ रही होंगी। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली मेरे किसी काम से और आप सबको मैं बताऊंगी, ब्लॉग पे बने रहिएगा किस काम से जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं हम सब, ट्रेन नहीं छूटेगी, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। आर यू एक्साइटेड? बोलो पूरे। रोज़ को यह चिंता हो रही कि वो ट्रेन में चढ़ पाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके पहले की एक ट्रेन के सारे दरवाजे बंद थे। उसको टेंशन हो रही कि उसकी ट्रेन के दरवाजे बंद ना हो तो वो कैसे चढ़ पाएगी। वो यही अपनी चिंता मुझसे जाहिर कर रही थी कि बस ट्रेन हमारी आने वाली है। बस हम लोग के निकलने का टाइम हो गया। आशी रोज रोज आगे चलो। ये हम लोग पहुंच गए हैं। तो मुझे जहाँ जाना था वहाँ के लिए मैंने ये लुक लिया, अपनी फेवरेट साड़ी जो कि मेरी फ्रेंड पुष्पा जी ने मुझे बनारस में दिलवाई थी। बनारसी साड़ी मैंने यही पहनी और ये रहा जोश टॉक का ऑफिस जहाँ पे महिमा जी के साथ मेरी बातचीत हो रही है, जो कि मेरी मैनेजर थी। और उनसे मैं बातें करते हुए जा रही हूँ, यहाँ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उनके साथ कि मुझे कैसा लगा यहाँ पर आ कर के। तो ये बहुत अच्छा रहा हम लोग का एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि हम चाहे तो शूट कर सकते हैं। शी वॉज सो कोऑपरेटिव, मज़ा आ गया इनके साथ काम करके। तो हम सब ये जोश टॉक के ऑफिस को देख रहे थे कि कैसा है, बहुत खूबसूरत है ये ऑफिस। तो हम लोग वापस आ गए अपनी रिकॉर्डिंग के बाद। आप लोग का सरप्राइज़ अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर देती हूँ। मैं आई थी जोश टॉक्स के लिए और ये है जस्ट उसके पीछे ही एक होटल है, आधार होटल, दिखाती हूँ। ये आधार होटल हम लोग यहाँ पे, लोगों ने यहाँ पे स्टे लिया। ऑफिस जस्ट उसके पीछे है। तो लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ कि लास्ट वीक मुझे अचानक से जोश टॉक का कॉल आता है कि मुझे वो इन्वाइट करना चाहते हैं नवनारी कैंपेन के लिए, तो मैं मना कैसे करती। बस झटपट टिकट हुए हमारे, हम लोग चले आए। तो ये था मेरे यहाँ आने का मकसद। तो दिल्ली आई हुई हूँ, जैसे अब आपको बता देती हूँ, दिल्ली आए हैं हम लोग। और दिल्ली आके फिर कल परसों छुट्टी है क्योंकि हस्बैंड की, तो कल फिर कुछ दोस्तों से मिलेंगे, इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे और परसों हम लोग वापस हो जाएंगे। तो ये था मेरे लिए यहाँ आने का रीज़न। अब सबको अभी ले चलती हूँ रूम की तरफ। मैं नीचे बैठ के लॉबी में वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी, और बस लॉबी में बैठ के मैं अपलोड कर रही थी। जाऊंगी रूम में, चेंज करूंगी, फिर हम लोग जाएंगे DLF मॉल बच्चों के साथ और उसके बाद मिलेंगे। किससे किससे मिलेंगे देखिएगा आप लोग। तो आप सबके साथ जोश टॉक के कुछ खूबसूरत से पल में शेयर कर रही हूँ, कैसे वहाँ पे है, कैसा ऑफिस है। ये वो मंच है जहाँ से हम लोग अपनी बातें रखते हैं और पीछे ये लोगो अपने आप पे इतना स्पेशल से है कि मज़ा आ गया देख करके उसको। और ये हस्बैंड के साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, एक वीडियो शूट किया जो कि मेरी बहुत इच्छा थी ऐसा एक वीडियो बनाने की इनके साथ, ये बच्चों के साथ कैसे बोल सकती हूँ। और ये जोश टॉक का पीछे का बैकग्राउंड ऐसा होता है कुछ। ये है जोश टॉक का मंच जो कि किसी के लिए भी एक सपने जैसा है और आज ये सपना पूरा हुआ है आप सबकी वजह से, जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं और
जल्दी ही ये वीडियो लाइव होगा, आप सब देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। वो कुछ अनछुए पहलू जो आपको नहीं पता है मेरे बारे में वो आपको देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। जिस वक्त आप सब ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ, मेरा जोश शौक का, आई होप कि वो वीडियो लाइव हो चुका होगा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ। उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वहाँ से जाके मेरे उस वीडियो को देखिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपना पूरा होने जैसा है। कभी जो देखा करती थी जोश टॉक में लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखा करती थी तो लगता था काश मैं भी इस जगह पे जा सकूं, लेकिन इतनी जल्दी ये सपना पूरा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। और इस मंच पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जोश टॉक की पूरी टीम सब बहुत सपोर्टिव हैं और ज़रा सी भी झिझक नहीं हुई मुझे वहाँ पर जाने पर। थोड़ा सा नर्वस थी शुरू में कि कैसे कहूँगी अपनी बातें, किस तरह से रख पाऊँगी अपनी जो भी मुझे यहाँ शेयर करना है, पर बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और वीडियो देखिएगा ज़रूर, अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा और मैं चाहूँगी कि सब प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा अपने प्रियजनों को। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने किस टॉपिक पर बात की है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी उस समस्या से जूझ रहा है आपके आसपास या आप खुद अगर लो फील करते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी चाहने वालों को शेयर करें। और वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, फिर से बता रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जाते जाते जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो अपना इतना सारा प्यार देने के लिए, यहाँ तक मुझे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबको इसी तरह से मैं प्यार देती रहूँगी, एंटरटेन करती रहूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी, अपने डेली व्लॉग्स, कॉमेडी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, और आप सबके रिक्वेस्ट पर तरह तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। और पूरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि मैं आप सबकी जो भी डिमांड्स उनको पूरा कर सकूं। तो आई होप कि वीडियो लाइव है और देखिएगा, आप सब भर भर के प्यार देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखिए, अपने व्हाट्सएप पे, अपनी स्टोरीज़ पे उस लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। शिवखेड़ा जी कहते हैं, सफलता का सूत्र है अपनी सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जब लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। सकारात्मक सोच ही आपको उन रास्तों पर ले जाएगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जीवन में सफल होने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है और आत्मविश्वासी होने के लिए आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है।